हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन 24 रोज़ का डिज़ाइन है, वही 24 रोज़ आपको रिपीट करते जाना है आगे आगे। रंग साइड पे से दिखता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 12 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 6 प्लस 2 करना होगा। मल्टीपल ऑफ 12 प्लस 6 प्लस 2 आप एक किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। कार्डिगन, लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। इसमें मैंने 12 का मल्टीपल करके 24 प्लस 6 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 32 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो सेकेंड रो एक फंदे से स्लिप करिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा पीछे, फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। अब ये रिपीट करना है आपको। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 6 फंदा उल्टा, 2 4 6, फिर 6 फंदा सीधा, 2 4 6। फिर से रिपीट करना है धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 2 3 4 5 6, फिर धागा पीछे, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक आपको 2 डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। यहाँ से यहाँ तक लास्ट में धागा आगे, लास्ट में 3 6 7 7 फंदा बचेगा इसको। 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, लास्ट का एज स्टिच भी उल्टा। थर्ड रो पूरी सिलाई आपको उल्टा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। थर्ड रो अब इस फंदे को भी, वो उल्टा फंदे को भी सीधा बुनना है। पूरी रो आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फोर्थ रो भी रो 2 की तरह बुनना है। फोर्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। अब ये रिपीट करना है आपको। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 6 फंदा उल्टा, 2 4 6, फिर 6 फंदा सीधा, 2 4 6। आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा पीछे, फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक आपको 2 डिजाइन ख़त्म हुआ है। यहाँ से यहाँ तक लास्ट में आपको ये 7 फंदों को, 3 6 7 7 फंदों को धागा आगे, 6 फंदों उल्टा, 1 2 3 4 5 6, एज स्टिच को भी उल्टा। फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से अब 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5
छः, अब इस उल्टा फंदा को भी सीधा बुनना है, सात, आठ, आठ फंदा सीधा, अब बिना बुने ये दो फंदों को इसे स्लिप करना है, अब दो फंदा सीधा, फिर ये दो उल्टा फंदा को भी सीधा बुनना है, दो फंदा सीधा। अब ये रिपीट करना है आपको, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, आठ फंदा सीधा, दो चार छः आठ, फिर दो फंदा बिना बने स्लिप करना है, एक दो, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है, आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये उल्टा फंदा को भी सीधा बुनना है, सात आठ, अब दो फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, यहाँ तक आपको एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन छः सात फंदा बचेगा, इसको छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, एज स्टिच भी सीधा। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया, सिक्स रो सब उल्टा बुनना है, सिक्स रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेवेंथ रो, सेवेंथ रो एक फंदा से स्लिप करिए, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदा सीधा, अब इस दो फंदों में, इस दो फंदों में पाँच पाँच फंदा बनाना है, इस फंदों में पाँच फंदा निकालना है इस तरह से, एक या नंबर दो, फिर इसी होल में डालना है नीडल, तीन फिर चार, फिर इसी होल में डालना है नीडल, पाँच, पाँच फंदा इस तरह से निकालना है, अब इस फंदों में भी पाँच फंदा निकालना है, एक या नंबर दो, फिर इसी होल में डालना है नीडल, तीन चार, फिर इसी होल में डालना है पाँच, पाँच फंदा इस तरह से निकालना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, अब ये रिपीट करना है आपको, एक फंदा छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, छः फंदा सीधा, दो चार छः, सॉरी आठ फंदा सीधा, दो चार छः आठ, फिर दो फंदों में इस तरह से पाँच पाँच फंदा इस तरह से निकालना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है, आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर इस फंदे में फिर पांच फंदा निकालना है, एक दो तीन चार पाँच, फिर इस फंदे में भी पांच फंदा निकालना है, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, यहाँ तक आपको एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन छः सात फंदा बचेगा, इसको छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, एज स्टिच को भी सीधा। सेवेंथ रो कंप्लीट करिए, एट रो, एट रो एक फंदे से स्लिप करिए, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदा उल्टा,
दो चार छः सॉरी सात आठ फंदा उल्टा छः सात आठ आठ फंदा उल्टा। अब इस फंदे को इस पांच एक फंदों में से पांच फंदा बनाए थे उसको इस बिना बुने से स्लिप करना है। एक इस फंदे को भी अब दो फंदा उल्टा एक दो। अब ये रिपीट करना है आपको एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है आठ फंदा उल्टा दो चार छः आठ फिर इस पाँच पाँच फंदों को बिना बुने स्लिप करना है फिर दो फंदा उल्टा एक दो। आपको ये रिपीट करना है फिर से रिपीट करना है आठ फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब इस फंदे को अब इस पांच फंदों को बिना बुने से स्लिप करना है इस पांच फंदों को भी बिना बुने से स्लिप करना है। अब दो फंदा उल्टा एक दो। लास्ट में आपको तीन छः सात फंदा बचेगा इसको छः फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच छः एज स्टिच को भी उल्टा। एट रो कंप्लीट कर लिया है। अब नाइन्थ रो नाइन्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है छः फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच छः छः फंदा सीधा। अब इस दो फंदों को पीछे लाना है। अब इस स्लिप फंदा पांच फंदों को राइट इंटर आगे से लेना है इस पांच फंदों को आगे लाना है फिर ये दो फंदों को आगे के दो फंदों पीछे लाना है इस तरह से फिर लेफ्ट इंटर में लेना है इस फंदे को भी। अब इस पांच फंदों को फिर इस पांच फंदों को फिर बैक लुक से एक करना है। अब ये दो फंदों को सीधा एक दो। और फिर इसको भी इस पांच फंदों को भी इस पांच फंदों को पीछे लाना है राइट इधर पीछे से लेना है राइट इधर पीछे से लेना है फिर इस पांच फंदों को पीछे। अब इस दो फंदों को सीधा बुनना है। अब इस पांच फंदों को अब आगे की साइड से पांच फंदों को एक फंदा बनाना है फिर दो फंदा सीधा सॉरी। अब यही रिपीट करना है आपको एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। यहाँ से यहाँ तक आपको एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको यही रिपीट करना है फिर से रिपीट करना है छः फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच छः। अब फिर ट्विस्ट करना है इस फंदे को इस पांच फंदों को राइट इंटर आगे से लेना है इस पांच फंदों को आगे लाना है फिर आगे के दो फंदे पीछे इस दो फंदों को भी पीछे लाना है फिर लेफ्ट इंटर में लेना है इस फंदे को भी। अब इस फंदे इस पांच फंदों को बैक लुक से एक फंदा बनाना है। अब इस दो फंदों को सीधा और फिर पीछे से लेना है राइट नीडल ये दो फंदों को आगे लाना है फिर इस पांच फंदों को फिर पीछे फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस दो फंदों को भी। अब इस दो फंदों को सीधा बुनना है इस पांच फंदों को भी आगे की साइड से एक करना है एक फंदा इस तरह से निकालना है। लास्ट में आपको तीन छः सात सात फंदा बचेगा छः फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच छः एज स्टिच भी सीधा। नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया है। अब टेंथ रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। टेंथ रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इलेवन रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है।
ट्यूबेल रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। थर्टीन रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फोर्टीन रो में आप इस डिजाइन को आपको यहाँ शिफ्ट करना होगा, इस डिजाइन को आप यहाँ बनाना होगा, इस डिजाइन को यहाँ बनाना होगा, डिजाइन को आप शिफ्ट करना होगा, चेंज करना होगा। 14 रो एक फंदे से स्लिप करिए, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा आगे, अब 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6। अब ये रिपीट करना है आपको, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। 6 फंदा सीधा, 2 4 6, फिर 6 फंदा उल्टा, 2 4 6, आपको ये रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा आगे, फिर 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6। लास्ट में आपको 3 6 7 फंदा बचेगा, इसको 6 फंदा उल्टा, 2 3 4 5 6, एडजस्टेज भी सीधा उल्टा। फिफ्टीन रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। 15 रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। 16 रो एक फंदे से स्लिप करिए, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा पीछे की तरफ रखिए, अब 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, अब 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, अब ये रिपीट करना है आपको। एक फंदा छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। 6 फंदा सीधा, 2 4 6, फिर 6 फंदा उल्टा, 2 4 6, आपको ये रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा आगे, फिर 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आपका 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 7 फंदा बचेगा, 3 6 7, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, एज स्टिच भी सीधा। 17 रो एक फंदे से स्लिप करिए, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 2 फंदा सीधा, 1 2, अब 2 फंदा बिना बुने से स्लिप करना है इस तरह से, और फिर 2 फंदा सीधा, 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये रिपीट करना है आपको। रिपीट करना है, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है पैटर्न,
आपको रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, बिना बुने दो फंदा स्लिप करना है, एक दो, फिर आठ फंदा सीधा, दो चार छः आठ, आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर बिना बुने दो फंदे से स्लिप करना है, फिर दो फंदा सीधा, सॉरी आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ तक आपको दो डिजाइन ख़त्म हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट में आपको तीन छः सात फंदा बचेगा, इसको क्या करना है देखिए, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदे से बिना बुने स्लिप करना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, एडजस्ट सीधा। 18 रोज सब उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है पूरी सिलाई, 18 रोज पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। नाइनटीन रो एक फंदे से स्लिप करिए, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, अब इस दो फंदों में पाँच पाँच फंदा बनाना है, इस फंदों में पाँच फंदा बनाना है, एक या नंबर दो, फिर इसी होल में डालना है, तीन या नंबर चार, एक पाँच, पाँच फंदा इस तरह से बनाना है, फिर इस फंदों में भी पाँच फंदा बनाना है, एक दो तीन चार एक पाँच, पाँच पाँच फंदा इस तरह से बनाना है दो फंदों में, और फिर आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आपको ये रिपीट करना है, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदों में इस तरह से पाँच पाँच फंदा निकालना है, एक दो, फिर छः आठ फंदा सीधा, दो चार छः आठ, आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, अब इस दो फंदों में पाँच पाँच फंदा निकालना है इस तरह से, एक या नंबर दो, एक तीन या नंबर चार, फिर इसी होल में डालना है निडल पाँच, फिर इस फंदे को भी एक या नंबर दो तीन चार एक पाँच इस तरह से, और फिर आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लास्ट में आपको तीन छः सात फंदे बचेगा, इसको क्या करना है देखिए, दो फंदे सीधा बुनिए, अब इस दो फंदों में भी पाँच पाँच फंदा बनाना है इस तरह से, एक फंदों में पाँच फंदा बनाइए, एक या नंबर दो तीन एक चार एक पाँच, अब इस फंदों में भी पाँच फंदा बनाना है, एक या नंबर दो तीन या नंबर चार, फिर एक बार पाँच, इस तरह से पाँच पाँच फंदा बनाना है, लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो, एज स्टिच भी सीधा। 20 रो एक फंदे से स्लिप करिए, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, दो फंदा उल्टा, एक दो, अब इस पाँच पाँच फंदा ये दस फंदों का बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, इस तरह से स्लिप करना है, अब इस पाँच फंदों को भी बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, अब दो फंदा सॉरी अब आठ फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ,
अब ये रिपीट करना है आपको, एक फंदा छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको ये रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, ये 10 फंदों को बिना बिना से स्लिप करना है, फिर दो फंदा सॉरी 8 फंदा उल्टा, 2 4 6 8, आपको ये रिपीट करना है फिर से, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, अब इस 5 5 फंदों को ऐसे बिना बुने स्लिप करना है, फिर इस 5 फंदों को ऐसे स्लिप करना है, और फिर 8 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आपको, यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको क्या करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, अब इस स्लिप फंदा को फिर इस 5 5 स्लिप फंदा को इससे बिना बुने स्लिप करना है, फिर इस फंदे को भी, और फिर लास्ट में आपको दो फंदा उल्टा, एक दो, एज स्टिच भी उल्टा। ट्वेंटी वन रो, एक फंदे से स्लिप करिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। अब इस 5 फंदों को आगे की राइट नीडल आगे से लेना है, इस 5 स्लिप फंदा को आगे लाना है, फिर आगे के 2 फंदे फिर पीछे लाना है, इस 2 फंदों को फिर पीछे इस तरह से, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस 5 स्लिप फंदा को भी। अब इस 5 फंदों को बैक लुक से एक फंदा बनाना है इस तरह से। अब इस 2 फंदों को आप सीधा बुनना है, एक दो, और फिर इस स्लिप फंदा को राइट नीडल पीछे से लेना है, ये 2 फंदों को आगे लाना है, फिर आगे के इस 5 फंदा पीछे, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस फंदे को भी। अब इस 2 फंदों को सीधा बुनना है, एक, अब इस स्लिप फंदा को आगे की साइड से, इस आगे की साइड से इस 5 फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर 6 फंदा सीधा, एक दो 3 4 5 6। अब ये रिपीट करना है आपको, एक फंदा छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, यहाँ से यहाँ तक आपको एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, इस 5 फंदों को आगे लाना है, फिर आगे के 2 फंदों पीछे, इस 2 फंदों को फिर पीछे, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस फंदे को भी। अब इस 5 फंदों को एक फंदा बनाना है इस तरह से। अब इस 2 फंदों को फिर सीधा बुनना है, एक दो, और फिर राइट नीडल पीछे से लेना है, इस 2 फंदों को पीछे आगे लाना है, फिर इस 5 फंदों को फिर पीछे, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस फंदे को भी, इस 2 फंदों को अब सीधा बुनना है, एक दो, अब आगे की साइड से इस 5 फंदों को इस तरह से, अब 6 फंदा सीधा, एक दो 3 4 5 6। यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको क्या करना है, देखिए इस 5 फंदों को फिर आगे लाना है, राइट नीडल आगे से लेना है, और आगे के 2 फंदे पीछे इस तरह से, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस फंदे को भी। अब इस 5 फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लुक से। अब 2 फंदा सीधा, एक दो, और फिर लेफ्ट नीडल पीछे से लेना है, राइट नीडल इस 2 फंदों को आगे लाना है, फिर इस 5 फंदों को पीछे, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस 2 फंदों को, अब सीधा बुनना है 2 फंदों को, फिर आगे की साइड से इस 5 फंदों को एक बनाना है। लास्ट का एक फंदा सीधा, ट्वेंटी टू रो आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है पूरी सिलाई। ट्वेंटी थ्री रो आपको पूरी सिलाई सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है।
24 रो आपको पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन 24 रो का डिजाइन है। 24 रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। आपको रिपीट करना है 1 to 20 रो रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। देन ऐसे ऐसे डिजाइन बन के आएगा बुनने के बाद। लास्ट में मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।